ग्राम देवली में पशु चिकित्सक त्रिलोक चौहान क्षेत्र उमरखली के द्वारा पशुओं को FMD के टीके लगाए गए ताकि पशुओं को बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियां जैसे मुंह पका खुर पका से बचाया जा सके। डॉक्टर तिलक चौहान के द्वारा एक दिन पूर्व ही गांव में सूचना भेज दी गई थी कि आज टीकाकरण होने वाला है ताकि किसान अपने बैल गाय भैंस को टीके लगवा सके और बीमारियों से सुरक्षित रख सके, क्योंकि मौसम खुला होने के कारण अधिकतर किसान खेतों में डोरे कोल्पे चला रहे हैं। जो पशु गाँव में मिले उन्हें गांव में ही टीकाकरण किया गया और जिन किसानों के बैल खेतों में मिले उन्हें त्रिलोक चौहान ने खेतों पर ही टीका लगा दिए। उन्होंने बताया कि यह मेरा फर्ज है। गांव के किसानों ने डॉक्टर के द्वारा खेतों में टीके लगाए जाने पर उनकी प्रशंसा की। डॉक्टर के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण चल रहा है। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। हाँ डॉक्टर साहब, ये किस चीज के टीका लगा रहे हैं? ये FMD टीकाकरण, मुंह पका खुर पका मुंह पका जिसको बोलते हैं, FMD का टीकाकरण राष्ट्रीय स्तर पे पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं, है ना? तो जैसे आप खेत में लगा रहे हो, अब ये तो मेरा ये है फर्ज है कि भाई चलो किसानों का जितना भी फायदा हो सके है, इसलिए मैं खेतों में भी लगा रहा हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं है कि खेतों में जाके लगाना है, पर भाई किसानों की जितना भी हो सके, जानवरों को फायदा, किसानों को तो क्या जानवरों को फायदा हो सकता है। अभी जैसे काम का सीजन भी चल रहा है, काम का सीजन चल रहा, जानवर मतलब घर नहीं मिल रहे हैं, तो ठीक है खेतों में भी अपन जिधर से निकल रहे हैं तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम लिखते हैं आप? त्रिलोक सिंह चौहान, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, पशु औषधालय उमरखली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।